दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. अभी आज सुबह करीब लगभग 7:45 के आसपास एक और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने दम तोड़ दिया. ये मरीज हमारे पास काफ़ी दिनों से भर्ती थे, 3 तारीख से भर्ती थे और मेड़ता जिला नागौर के रहने वाले थे. उम्र भी इनकी ज़्यादा थी, 74 साल के आसपास इनकी उम्र थी. इनकी पत्नी भी पॉजिटिव हैं तो वो अभी हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हैं, हमारे यहाँ नहीं है. लेकिन ये पिछले 10 दिन से हमारे पास भर्ती थे, 10-12 दिन से, और पिछले 7-8 दिन से ऑक्सीजन पे थे. 2 दिन से इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी और पहले हमने नॉन वेजिव वेंटिलेशन, जिसको हम बाईपैप कहते हैं, वो ट्राई किया. उस पर उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरा नहीं हुआ तो फिर अल्टीमेटली इनको वेंटिलेट करना पड़ा, इनवेजिव वेंटिलेशन पे लिया और सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया. इनको कोरोना पॉजिटिविटी के साथ में इनको जिसको हम बायलेटरल निमोनिया कहते हैं वो भी था, साथ में इनको डायबिटीज़ भी थी और इनके सेप्टिसीमिया भी था और इनको पुराने फेफड़ों का दमा, जिनको हम ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं, वो भी था. मल्टीपल तकलीफ़ें थी. सबसे बड़ी बात, इनकी उम्र भी ज़्यादा थी. तो अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोमॉर्बिडिटी है तो डायबिटीज़ है. इसके अलावा जो हमारे पास अभी पॉजिटिव पेशेंट जो हैं 23 भर्ती हैं और सस्पेक्ट में 33 करीब भर्ती हैं. जो मरीज़ पॉजिटिव में हैं उनमें से 3 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, बाकी पेशेंट हमारे कोई ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे नहीं है. 1 पेशेंट बाईपैप पर जरूर है हमारे. और इलेक्ट्रिक या गैस के मटेरियल में इसका संस्कार करेंगे. यूजुअली लकड़ियों वाला शमशान अवॉइड किया, अंतिम संस्कार अवॉइड किया जाता है क्योंकि उससे थोड़ा सा वो ऑपरेट होने की संभावना होती है, इसलिए वो अवॉइड किया जाता है. गाइडलाइन क्लियर है. हम बॉडी को रैप करते हैं, रैप करके बॉडी के ऊपर भी सैनिटाइजर डालते हैं, फिर रैप करने के बाद बॉडी बैग होता है उसके ऊपर सैनिटाइजर डालते हैं, तो पूरी डिसइंफेक्ट होती है. इसके बाद हेल्थ